नमो नारायण दोस्तों, आइए श्रवण करते हैं कार्तिक मास महात्म्य 22वां अध्याय। गोवर्धन पूजा का महत्व बतलाने के बाद नाद जी कहने लगे कि हे राजा पृथु, कार्तिक सुदि दूज को यम द्वितीया कहते हैं। इस दिन यमुना स्नान करके यमराज का पूजन किया जाता है। दीपावली के बाद की इस द्वितीया को भैया दूज भी कहते हैं। इस दिन भाई अपने घर भोजन ना करे। यदि अपनी बहन ना हो तो गुरु की कन्या भी बहन के समान होती है, अतएव उसे ही बहन माने। इस दिन बहन अपने भाई की आयु बढ़ाने की कामना से 8 चिरंजीवियों मार्कंडे बलि व्यास हनुमान विभीषण कृपाचार्य अश्वत्थामा और परशुराम का विधि पूर्वक पूजन करे। तत्पश्चात भाई को बुलाकर उसके तिलक लगाते हुए कहे, सूर्य चंद्रमा पृथ्वी समुद्र वेद पुराण तप सत्य ब्रह्मा विष्णु महेश देवता मुनि तथा धर्म मेरे भाई की रक्षा करें, और जब तक पृथ्वी तथा सूर्य आदि स्थित हैं तब तक मेरे भाई की संतति चले। फिर बहन भाई को तिलक करके भोजन कराए। भाई भी अपनी श्रद्धा तथा सामर्थ्य अनुसार बहन को दक्षिणा दे। इतनी कथा सुनने के बाद राजा पृथु ने पूछा कि हे देव ऋषि, सब क्षेत्रों में उत्तम कौन सा क्षेत्र है? तब नारद जी कहने लगे कि हे राजन, सब क्षेत्रों में उत्तम गंगा तथा यमुना का संगम है, जिसमें स्नान आदि करने की इच्छा ब्रह्मा आदि देवता भी करते हैं। गंगा के स्मरण मात्र से अनेक पाप नष्ट हो जाते हैं। जो कोई गंगा में स्नान करता है उसके समस्त पाप क्षय हो जाते हैं और उसकी कई पीढ़ियों को परम पद की प्राप्ति होती है। गंगा में स्नान की अभिलाषा करने मात्र से मनुष्य अनेक जन्मों के पापों से मुक्त हो जाता है। गोदावरी कृष्णा रेवा अमरावती तुंगभद्रा कावेरी यमुना बहुधा चैत्रवती ताम्रपर्णी तथा सरयू आदि नदियां तथा कई तीर्थ गंगा में स्थित हैं। काशी क्षेत्र सब क्षेत्रों में उत्तम है। जो काशी वास करते हैं वह जीवन मुक्त हो जाते हैं। जो व्यक्ति काशी क्षेत्र का स्मरण करते हुए शीत त्यागता है वह भी मोक्ष को प्राप्त करता है। इति श्री कार्तिक मास महात्म्य 22वां अध्याय समाप्त। नमो नारायण।